नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। दूसरे चरण का जो प्रचार है वो थम चुका है। कल के लिए तमाम पार्टियां तैयारियां कर रही हैं। लोगों से आग्रह भी है कि ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। लेकिन आज यूपी चुनाव को लेकर एक ऐसे युवा नेता के बारे में जिक्र करने वाले हैं SPN9 न्यूज में, कुछ इसको लेकर 2 महीना पहले बहुत ढिंढोरा पीटा जा रहा था। सिर्फ एक दिन उनकी इंजरी हुई और उस पर काली स्याही भी फेंकी गई। सवाल ये है कि कांग्रेस के तमाम स्टार प्रचारकों का लिस्ट तो बना, लेकिन यूपी के दहलीज पे उतरे नहीं, ये बड़ा सवाल है। जिस शख्स की मैं बात कर रहा हूँ वो कोई और नहीं, कन्हैया कुमार है। कन्हैया कुमार को लेकर कांग्रेस ने बहुत उम्मीदें जगाई और उम्मीदें की, लेकिन वो चीज यूपी चुनाव में देखने को नहीं मिला। आखिर क्यों? इसी सवाल को लेकर आज हम लोग चर्चा करेंगे कि कन्हैया कुमार कहाँ हैं, क्या कन्हैया कुमार पर जो भरोसा किया गया था, क्या वो उस पर खड़े नहीं उतर पाए? यूपी चुनाव में उनकी एंट्री क्यों नहीं है, पंजाब में एंट्री क्यों नहीं है, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि जिस उम्मीद से राहुल गांधी ने उन पर भरोसा किया था वो होना मुश्किल हो गया है। इन्हीं बात पे आज बातचीत करेंगे। नेहा इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। नेहा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल यही है, यूपी चुनाव में जिस स्टार प्रचारकों का लिस्ट बना उसमें कन्हैया कुमार कहाँ है, कन्हैया कुमार क्यों नहीं दिख रहे? नेहा देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद आसिफ। और देखिए, कन्हैया कुमार की अगर बात की जाए कि स्टार प्रचारक की लिस्ट में उनका नाम तो था लेकिन अचानक से गायब हो गया, जिसकी वजह से वो उत्तर प्रदेश की दहलीज पर कदम नहीं रख पाए। देखिए, इसका एक कारण मैं आपको बता देती हूँ कि कन्हैया कुमार का स्टार प्रचारक की लिस्ट में नाम आते ही जैसे ही विपक्षी पार्टियों को ये पता चला कि कन्हैया कुमार उत्तर प्रदेश में आने ही वाले हैं, और वो मुझे लगता है लखनऊ जब उनके ऊपर ये हमला हुआ था शाही द्वारा, उसके अंदर कहा जा रहा था कि कुछ पदार्थ ऐसे मिलाए गए थे, एसिड जैसे पदार्थ उसमें मिलाए गए थे, तो ये पूरा जो साजिश रची गई थी ये हमले की वजह से ही रची गई थी। तो देखिए, इसी वजह से मुझे लगता है कि कन्हैया कुमार का स्टार प्रचारक की लिस्ट से नाम हटा दिया गया, क्योंकि उनको अभी नाम वहां पर उतार के थोड़े दिन बाद उतारने की बात कही जा रही है। देखिए, इस वजह से क्योंकि कन्हैया कुमार से विपक्षी पार्टियों का डर तो लगता है, ये बात सब बड़े अच्छे से जानते हैं, क्योंकि कन्हैया कुमार हमेशा से ही मोदी सरकार पर हमलावर रहे हैं और वो हमेशा से ही मोदी सरकार की जो कमियां हैं उनको गिनवाते रहे। लेकिन इसीलिए तो नहीं, इसीलिए तो वो कांग्रेस में शामिल हुए थे, यही तो उम्मीदें लगाई जा रही थी कि उनकी नीतियों का मुकाबला करेंगे, उनकी नाकामियों का जो है खदेड़ करेंगे। लेकिन आप कह रहे हैं यही फेंका गया, ठीक है, चलिए यूपी में जाने से इनकार है। सोशल मीडिया है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, सोशल मीडिया है कि नहीं है, फिर भी उनका बयान क्यों नहीं आ रहा, बाइट क्यों नहीं आ रहा, कहां गायब है इस वक्त? देखिए, गायब की बात नहीं है इसमें, उनके ऊपर देखा जाए तो एक बहुत बड़ा हमले की बात है, क्योंकि अगर आप सोचिए कि अगर ये हमला कोई बड़ा रूप ले लेता फिर तो मुझे लगता है चुनाव से पहले यहाँ पर राजनीति वही दंगों वाली राजनीति हो जाती, और चुनाव से पहले अक्सर ये बात होती ही थी पहले के समय में कि अक्सर दंगे फसाद होते थे। तो देखिए, इसी वजह से कांग्रेस पार्टी ने कहीं ना कहीं कन्हैया कुमार को छुपा के बिठा दिया है, जिसकी वजह से ना तो वो कहीं सोशल मीडिया पर नजर आ रहे हैं, ना ही वो किसी रैली या प्रचार में नजर आ रहे हैं, ना ही वो कोई ट्वीट कर रहे हैं। आप देखिए कि सचिन पायलट तो हमेशा से ही साथ देते नजर आ रहे हैं प्रियंका गांधी के, पहले वो मेरठ के हस्तिनापुर में नजर आए थे और कल जैसे। तो इस बात को मान लिया जाए नेहा कि मतलब राहुल गांधी ने जो रिक्स और जो उम्मीदें जो भरोसा जताई प्रियंका कन्हैया कुमार पे, क्या वो उस पे खड़े उतर रहे हैं? हाँ, खड़े तो उतर रहे हैं, बिल्कुल ये बात एकदम सही है आसिफ की, कन्हैया कुमार पर राहुल गांधी को या फिर यूं कहें कि प्रियंका गांधी को पूरा भरोसा है, क्योंकि कन्हैया कुमार एक ऐसे नेता है जो कि सबसे ज्यादा शिक्षित नेता है, युवा नेता है, और कह सकती हूँ कि कांग्रेस पार्टी की जान धीरे धीरे वो बनते जा रहे हैं। क्योंकि आप एक बार देखिए कि कन्हैया कुमार एक ऐसा भाषण देते हैं जिसके द्वारा वो मोदी सरकार पर भी हमलावर करते हैं, और यहाँ तक कि जितनी भी सरकार सत्ता में बैठी है जिन्हें सिर्फ ख्याली पुलाव बनाकर जनता को पागल बनाया है, तो देखिए ऐसी सरकार पर हमेशा से ही वो हमला कर रहे हैं। हालांकि उनका जो भाषण होता है वो भाषण सुनकर विपक्षी पार्टियों के दमखम खुल जाते हैं। लेकिन नेहा, मैं अभी भी इससे जो है संतुष्ट नहीं हूँ, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। उत्तराखंड है, गोवा है, पंजाब है, यूपी है, तमाम ऐसे राज्यों में जहाँ चुनाव होने वाले हैं, हर जगह मुझे सिर्फ प्रियंका ही दिखती है। यूपी की बात हो प्रियंका, उत्तराखंड की बात हो प्रियंका, आज पंजाब की बात हो प्रियंका, कन्हैया कुमार है कहाँ नेहा? क्योंकि जो उम्मीदें उनसे की जा रही थी वो मुझे तो नहीं दिख रहा, अगर आपको दिख रहा तो आप बताइए वो है कहाँ? देखिए आसिफ, प्रियंका गांधी की अगर आप बात कर रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है इस वक्त में जो ये विधानसभा चुनाव है 5 राज्यों के, तो इस वक्त कांग्रेस पार्टी की जान प्रियंका गांधी बनी हुई है। मुझे लगता है कि दोबारा से
राजनीति में सक्रिय करने वाली कांग्रेस पार्टी को प्रियंका गांधी ही है वो महिला जिसने कांग्रेस पार्टी की जो छवि कहीं ना कहीं छुप गई थी वो दोबारा से उजागर करती है। और अगर मैं कन्हैया कुमार की बात करूँ तो देखिए कन्हैया कुमार अभी कुछ दिन पहले भी वो सक्रिय थे लेकिन अचानक से बीच में वो कहीं ना कहीं गायब हो गए हैं। अब देखना, ये नहीं पता है, इस बारे में कुछ कह नहीं सकती हूँ कि आखिर वो है कहाँ, लेकिन इतनी उम्मीद जरूर बताई जा रही है कि चुनाव का वो परिणाम आने से पहले वो जरूर उत्तर प्रदेश में नजर आएंगे। चलिए एक आखिरी सवाल को रुख करते हैं नेहा और आपसे जानने की कोशिश करते हैं, क्या यही हकीकत तो नहीं है जिसकी वजह से आज मैं ये एक बहुत जो है लाजमी सवाल पे मैं डिस्कशन कर रहा हूँ आपसे, और वो यही था कि कन्हैया कुमार जो नहीं दिख रहे हैं, प्रचार नहीं कर रहे हैं या सोशल मीडिया पे नहीं बोल रहे हैं, क्या यही हकीकत तो नहीं है कि 3 दशकों से खोया हुआ वजूद जो कांग्रेस का है क्या इस बार भी जाने वाला है, क्या कांग्रेस हार रही है, क्या इसी वजह से उनके तमाम नेता जोश जुनून नहीं डाल रहे हैं, सिर्फ तमाम जिम्मेदारियां प्रियंका गांधी के कंधों पर ही छोड़ दिया गया, क्या यही हकीकत है क्या? देखिए हकीकत क्या है और क्या नहीं ये कहना थोड़ा सा भी मुश्किल है आसिफ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी में कोई जान नहीं है। कांग्रेस पार्टी में काफी उत्तर प्रदेश के अंदर की मैं खासकर बात करूँ तो प्रियंका गांधी बहुत जान और ताकत लगा रही है अपनी पार्टी को ऊंचा उठाने में, और ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी साथ कन्हैया कुमार साथ नहीं दे रहे, वो जरूर साथ दे रहे हैं, बस ये है कि वो अपना चेहरा आगे नहीं ला रहे हैं। और सचिन पायलट भी देखिए पूरा साथ दे रहे हैं, सचिन पायलट भी उत्तर प्रदेश में एंट्री कर चुके हैं। इसके साथ अगर मैं बताऊं कि जैसे जैसे चुनाव का तीसरा चरण आएगा, चौथा चरण आएगा, तो मुझे लगता है कि भूपेश बघेल, अशोक गहलोत, रणदीप सुरजेवाला तमाम नेता प्रियंका गांधी का साथ देते नजर आएंगे। लेकिन पंजाब में ना, पंजाब में भी तो नहीं दिख रहे हैं, चलिए यूपी की आपने बात बताई। चलिए एक छोटा सा और आखिरी सवाल ये भी है कि चलिए अगर कन्हैया कुमार का आप इतना बता रही हैं जितनी उम्मीद थी, बतौर कन्हैया कुमार कांग्रेस कितनी सीटें ला पाएंगे? देखिए उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूँ तो कन्हैया कुमार सहित और सचिन पायलट सहित उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी 150 सीटों से पार कर जाएगी। 150 सीट अगर आती है कांग्रेस को तो ये यूपी चुनाव में ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में जो है एक भूचाल मच जाएगा, क्योंकि कांग्रेस से किसी को भी इतनी उम्मीदें नहीं हैं। खैर अब देखना होगा कि नेहा की बातों में कितना दम है और कितना सही साबित होता है, और जितने सवालों पे हमने डिस्कस किया है, बातचीत किया है, इन तमाम सवालों की सच्चाई का जो पता है, पड़ताल है, 10 मार्च को पता चल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया नेहा हमें इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। अब देखते हैं कि आखिर होता क्या है। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते हैं स्पेन आई न्यूज़। नमस्कार।